यहाँ पर लोग अक्सर लोग मुझे मैसेज करते हैं कि भाई हमारे पास ये क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का ऑप्शन आता है तो हम फ्री में कैसे बना सकते हैं। भाई आईडी बिल्कुल फ्री में बनती है, कुछ भी नहीं करना पड़ता। देखें फर्स्ट नेम हमारा फास्ट और सर नेम उसने खुद सेलेक्ट कर लिया। और हम हाय गाइस वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने आईफोन के लिए खुद से एप्पल आईडी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, मेरे स्टेप को फॉलो करते जाएं और आप बहुत आसानी से अपनी एप्पल आईडी खुद क्रिएट कर सकते हैं, जिसको आप इजीली किसी भी फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं और कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाकर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरी वीडियोस को लाजमी लाइक किया करें, शेयर किया करें और अगर मेरी कोई बात अच्छी लगे तो मुझे कमेंट्स में बताया करें, भाई ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने मुझे दी है, तो ताकि मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूं। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप एप्पल आईडी कैसे बनाएंगे अपनी, जिससे आप हर चीज़ डाउनलोड भी कर सकें। अगर आपको कुछ भूल गए, आप पासवर्ड भूल गए हैं या कोई और मसला हो गया आपके साथ, तो उससे कैसे जान छुड़ाई जाए या उसका सोल्यूशन क्या है। अक्सर लोग आईडी बना तो लेते हैं लेकिन उन्हें बाद में बहुत मसले आते हैं कि वो उसको रिकवर नहीं कर सकते, पासवर्ड भूल जाते हैं, तो उसके लिए क्या स्टेप होने हैं वो इस वीडियो में मैं आपको वन टू ऑल हर चीज़ बताने वाला हूँ कि आपने किस तरीके से अपनी आईडी बनानी है ताकि आपको इन द फ्यूचर कोई मसला परेशानी ना हो। अगर आप आईडी भूल भी जाते हैं तो कोई परेशानी ना हो, आप खुद रिकवर कर सकते हैं, आपको किसी शॉपकीपर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छे तरीके से अपनी आईडी बनाएंगे, एप्पल की आईडी बनाएंगे, तो आप उसमें डाटा सिक्योर कर सकते हैं और आप उसको रिकवर कर सकते हैं द फ्यूचर, और वो आपके बहुत काम आने वाली है। होगा कैसे, आपने कोई भी लेटेस्ट डिवाइस ले लेनी है, कोई भी 6+, 7+, 8+ जो भी इजीली आप ले सकते हैं, आपके पास अवेलेबल है। लेट्स सी, देखते हैं कैसे ये वर्क होगा, आप देखते जाएँ, मेरे स्टेप्स को फॉलो करें। कि भाई एप्पल आईडी में हम आ गए यहाँ पर, क्रिएट न्यू एप्पल आईडी आ गए यहाँ पर। यहाँ पर मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगा जो कि आपने बिल्कुल भी भूलने नहीं है। अब देखिए, हमने अपना फर्स्ट नेम यहाँ लिखना है, मैंने तो यहाँ आईडी क्रिएट करनी है क्योंकि आप लोगों को दिखाने के लिए, तो मैं कुछ भी यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो मैं उस हिसाब से अपनी आईडी बनाऊंगा, डेट ऑफ बर्थ हम कुछ भी सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि मैंने जस्ट आपको नॉलेज के लिए आप किस तरीके से बना सकते हैं तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा। ठीक है, यहाँ पर हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पर चीज़ समझने की बात है, जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ वो बात बहुत अहम बात है कि यहाँ पर देखें, आप अगर न्यू क्रिएट एप्पल आईडी, यहाँ पर कोई भी आईडी यहाँ पर आप अपने नाम से बनाना चाहेंगे तो बन तो जाएगी, लेकिन सबसे अच्छा ये है कि आप अपने गूगल की मेल यहाँ पर गूगल के नाम से जो आपकी आईडी गूगल पे है वो आप यहाँ इंसर्ट करें ताकि आपको रिकवरी में बहुत आसानी हो। अगर आप यहाँ कोई न्यू आईडी बनाएंगे तो आपके फ़ोन पे रिकवर हो सकती है। गूगल की आईडी से आपको ये फ़ायदा होने वाला है कि आप कुछ भी रिकवरी करने में आपको बहुत आसानी है, कॉन्टैक्ट्स को आपको मूव करने में आसानी है, आप जो नंबर सेव करेंगे वो गूगल में भी सेव होगा और आपके आई क्लाउड में भी सेव होगा। तो हम अपनी गूगल आईडी से इसको करेंगे, जो आपको गूगल आईडी मैंने भी आपको दिखाई है, हम वही आईडी अपनी यहाँ पर भी यूज़ करने वाले हैं। देखते हैं हम उसी अपने एप्पल आईडी से क्रिएट करेंगे, कुछ भी आप पासवर्ड रख सकते हैं। यहाँ पर हमने पासवर्ड क्रिएट करना है, आप कुछ भी रख सकते हैं जो आपको इजी लगे। जो आप इजीली इसको याद रख सकें। यहाँ पर हमने पासवर्ड सेट कर लिया। अब देखें, यहाँ पर आपको अपना फ़ोन नंबर लाजमी देना है, बिल्कुल ज़रूरी है फ़ोन नंबर देना। हम यहाँ पर फ़ोन नंबर देंगे,
तो यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर डायल करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर हमने लिखना है अपना फ़ोन नंबर। ताकि फ़ोन नंबर लिखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको अगर आईडी भूल जाए, खुदा ना खास्ता कुछ भी आपके साथ मसला हो, तो रिकवरी आपके पास आपके फ़ोन नंबर पे होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अब आपके देखें नंबर पे कोड भी आने वाला है, वेरिफिकेशन आएगी। इसी तरह जब आप भूल जाएंगे तो रिकवरी पे भी आपका नंबर होना चाहिए। देखें इसने खुद ही कोड भी रीड कर लिया, यहाँ पर हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे टर्म्स एंड कंडीशंस को। बहुत इजी स्टेप्स हैं। अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। देखें यहाँ पर साथ ही गूगल पर भी हमारे आ गया वेरिफिकेशन, देखें गेट द मोस्ट आउट ऑफ आई क्लाउड का आ चुका है हमारे पास गूगल पर भी। तो आपको गूगल की आईडी लगाने से ये फ़ायदा होगा कि आप बाद में रिकवरी कर सकते हैं। देखें डे स्पोर्ट्स हब योर एप्पल आईडी, ये आपके डिटेल्स आई साइन इन इन आईफोन 7 प्लस, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। देखें अब सबसे बड़ा फ़ायदा आपको सेम आईडी होगी, वेरीफाई भी आपके ईमेल पे जाके होगा, तो इससे आपको आसानी ये होगी कि आप अपनी आईडी को वेरीफाई भी यहीं से कर सकते हैं और आईडी एक ही आईडी को चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं है, सेम आईडी होगी, सिर्फ पासवर्ड चेंज होगा। आपका गूगल का अलग पासवर्ड हो सकता है, यहाँ पर अलग पासवर्ड होगा, तो वेरीफाई भी हम यहीं से कर रहे हैं। देखें हमने नंबर भी लिख दिया, एक सेकंड हम वेरीफाई ईमेल आईडी करेंगे, यहाँ से हम जाकर वेरीफाई करेंगे इसको, यहाँ पर भी वेरीफाई साइन कोड, ये कोड आएगा, हम इसको डायरेक्ट वेरीफाई करेंगे। कैसे हमारे पास कोड आने वाला एप्पल आईडी पे, देखिए हमारे एप्पल आईडी पे कोड आ गया, यहीं से हम सब कुछ वेरीफाई भी कर सकेंगे। हमारे पास सब कुछ हर चीज़ यहीं आएगी तो हमें आसानी होगी इसको रिकवरी करने में। अगर आपने डिफरेंट वे से बनाया होगा तो आपको बहुत मसला होने वाला है। देखें आपको अपनी गूगल की आईडी यूज़ करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदे होने वाले हैं। उससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप जो कॉन्टैक्ट्स यहाँ सेव करेंगे गूगल पे भी होंगे, जो गूगल पे करेंगे वो इसमें भी होंगे, और यहाँ पर ये आईडी परमानेंट रहेगी आपके पास, और रिकवरी में भी बहुत आसानी है। देखें हमारी आईडी बन चुकी है, इतने ईजी स्टेप्स हैं, आप इसको ईजीली बना सकते हैं। आप अपना फ़ोन नंबर चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। देखें यहाँ पर हर चीज़ पॉसिबल है, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी चेंज करना चाहते हैं आप, सिक्योरिटी पासवर्ड ये वो 112 हर चीज़ आसानी से कर सकते हैं, पॉसिबल है। नंबर चेंज कर सकते हैं, वेरिफिकेशन कोड अगेन कर सकते हैं, कुछ करना है आपने परचेज करना है तो उसे कर सकते हैं, या कोई भी प्लान ले सकते हैं आप। नेक्स्ट स्टेप, अब इससे आगे करना क्या है? देखिए हमारे पास यही आईडी सेम जो गूगल हमारा अकाउंट है, यहाँ पर वेरिफिकेशन भी इस पर आई हुई है हमारे पास। सबसे अच्छी बात ये होगी अगर आप गूगल की आईडी लगाएंगे तो उससे आपका फ़ायदा ये होने वाला है कि रिकवरी आपका गूगल पे आने वाली है आपके पास। तो मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ कि आपने गूगल से क्यों गूगल की आईडी क्यों रखनी है, ताकि आप हर चीज़ रिकवर खुद कर सकें। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब नेक्स्ट स्टेप ये होता है इसका रिव्यू। यहाँ तक सब हर बंदा कर लेता है, यहाँ तक ये काम तो सब कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जो सबसे ज़रूरी है, इससे आगे स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा। अब आपने एप स्टोर में चले जाना है, हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे। अब आप कुछ गेट करेंगे, यहाँ पर कुछ ना कुछ गेट करने की कोशिश करें। आप कुछ गेट करेंगे तो ये रिव्यू मांगेगा आपसे, रिव्यू मांगेगा जब आप इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पासवर्ड मांगेगा पहले। आपने पासवर्ड देना इंसर्ट करना है ताकि ये इसको इंस्टॉल करने की तरफ जाए। अब यहाँ पर ये रिव्यू करेगा इस आईडी का। देखें आपने कहा जैसे एप्पल आईडी हैज़ नॉट येट बीन यूज इन द iTunes स्टोर। अब हम इसको रिव्यू करेंगे। रिव्यू का मतलब ये होगा कि ये बाकी डिटेल आपसे मांग रहा है, आपकी आपके आईडी की बाकी डिटेल मांगेगा। बिल्कुल सिंपल, आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन याद रखें वो चीज़ लिखनी है जो आपको याद हो, इन द फ्यूचर अगर आप कुछ भी भूलता है तो वो आप आसानी से उसको फिल कर सकें। एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन, पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिए कंट्री, आपने आईडी आपकी गूगल की लगी हुई है, सिंपल। देखें आप यहाँ पर लोग अक्सर लोग मुझे मैसेज करते हैं कि भाई हमारे पास ये क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का ऑप्शन आता है तो हम फ्री में कैसे बना सकते हैं। भाई आईडी बिल्कुल फ्री में बनती है, कुछ भी नहीं करना पड़ता। देखें फर्स्ट नेम हमारा सर नेम उसने खुद सेलेक्ट कर लिया, और हम यहाँ पर हमें ये करना है। देखें इसमें स्ट्रीट लिख देते हैं भाई हम जहाँ रह रहे हैं, कुछ भी इतना मुश्किल नहीं है। अब हम इसको
आप देखते जाएं मेरे स्टेप्स को फॉलो करें और बिल्कुल इजीली आप ये कर सकते हैं खुद घर पे। इस एप्पल आईडी से आपको और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होने वाले हैं जो कि मैं आपको आगे बताता जाऊँगा। स्ट्रीट आप लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप जिस सिटी में रह रहे हैं उसका आपको पोस्टल कोड ही पता होना चाहिए। अब यहाँ पर आपने फ़ोन नंबर, अगेन फ़ोन नंबर आपने लाजमी अपना लगाना है ताकि अगर खुदा ना खास्ता आप कुछ भूल जाएं तो आप रिकवर कर सकें। देखें यहाँ पर हमारा स्टेप ये तकरीबन सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। आपने स्ट्रीट में लिखना है। यहाँ पर ये असल में रिव्यू में मसला आता है, लोग रिव्यू नहीं करते और सोचते हैं कि भाई हमारी चीज़ें इंस्टॉल नहीं हो रही, हमारी एप्पल आईडी तो बन गई है, उनको रिव्यू नहीं करना आता तो उससे सारे मसले क्रिएट होते हैं। और लोग कहते हैं पेड आ रहा है बार बार, भाई मास्टर कार्ड मांग रहा है आपका, वीज़ा कार्ड मांग रहा है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड मांग रहा है, तो आपने नन करना, किसी पे भी नहीं करना, यानी नन ऑफ दिस। नेक्स्ट करेंगे तो हमारा ये रिव्यू कम्प्लीट हो जाएगा। अगर कुछ चीज़ मिसिंग होगी तो आपको बताएगा। देखें एप्पल आईडी कम्प्लीटेड, कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर हम कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपने एप्पल आईडी कर दी, वापस से यूट्यूब कुछ भी करना चाहें आप इजीली कर सकते हैं डाउनलोड। यूट्यूब ऑलरेडी डाउनलोड है मेरे पास, हम कुछ गेम करते हैं, फूड पांडा कर लेते हैं हम इससे डाउनलोड। देखें अब इस एप्पल आईडी से मैं आपको डाउनलोड भी करके दिखाने वाला हूँ। देखें हमने यहाँ पर अपने आईडी का पासवर्ड लगाया और हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। देखिएगा आप, तो जस्ट ये पूछ रहा कि भाई आपसे एप्पल आईडी का पासवर्ड कब कब पूछा जाए, आफ्टर भाई कम से कम 15 एप्लीकेशन के बाद पूछा जाए, हम बार बार पासवर्ड से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो जस्ट आप 5-10 मिनट में अपनी आईडी खुद क्रिएट कर सकते हैं और एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखें एप्लीकेशन डाउनलोड हो गई हमारे पास। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी बताइएगा कमेंट्स में, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ सपोर्ट मी, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।